मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में उर्दू मराठी टीएमसी स्कूलों की हालत बेहद ही ख़राब है। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले शूज, यूनिफॉर्म आदि सामग्री बेहद ही लो क्वालिटी की दी जा रही है। साथ ही बच्चों के अकाउंट में जो पैसा आता है उसको लेकर टीचर और अभिभावकों में कहासुनी की भी खबरें सामने आ रही हैं। स्कूल के जो इमारतें हैं उनमें प्लास्टर गिरने की वजह से अब तक कई बच्चों को चोट भी लग चुकी है। खिड़कियों की जो कांच है वो भी टूटी हुई है। इसी तरह टीएमसी के उर्दू स्कूल नंबर 13 में पानी की निकासी की जगह नहीं है। स्कूल के ग्राउंड में ये पानी बह रहा है और इसी कमरे में पीने का पानी है। अगर बच्चे पानी पीकर बाहर निकलते समय फिसल कर गिरे तो इन्हें चोट भी लग सकती है। इसी तरह स्कूल के शौचालय की हालत भी बद से बदतर है। दरवाजे टूटे पड़े हैं और पीने के पानी को लेकर भी काफ़ी तकलीफें हैं। स्कूलों में जो वाटर प्योरीफाई लगाया गया है वो भी ज़्यादातर बंद पड़े हुए। हालांकि स्कूल के जो टीचर हैं इन सभी ने मानपा में इसकी शिकायत की है, मगर शिकायत करने के बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद इन सभी समस्याओं को लेकर आज MM वली स्थित मुमरा प्रभाग समिति में स्कूलों के टीचरों ने मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष अश्विन राउत से मुलाकात की और स्कूल की समस्याओं को बताई। क्या कहा है स्कूल की एक टीचर ने, उनकी क्या समस्या है और अश्विन राउत ने स्कूलों में हो रहे समस्याओं पर क्या कहा है। मैं स्कूल नंबर 75 से हूँ, ललिता सारंगा मेरा नाम है। इस इमारत में 6 स्कूल है, 3 माध्यमिक और 3 प्राथमिक, और उसमें 1800 विद्यार्थी करीबन शिक्षण ले रहे हैं। ये इमारत वैसे 20-25 साल पुरानी होने के कारण उसमें अभी रिपेयरिंग के बहुत मसले हैं। एक तो पाइपलाइन पहले जो लोहे की होती थी उससे उसमें गंज लग गई है, तो वो अभी रिपेयर करके चाहिए। उसी प्रकार टॉयलेट वगैरह का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अभी ख़राब हो गया, वो रिपेयर करके चाहिए। और ग्राउंड में प्लेयर ब्लॉक बिठाने हैं। पानी की जो टंकी है जो ऊपर बैठाई गई है टेरेस पे, वो भी अभी पर तो बच्चों के लिए, तो ये पाइपलाइन खराब होने के वजह से बच्चे उसमें से पानी नहीं पी सकते हैं। दूसरी, पानी की टंकी खराब होने के वजह से टॉयलेट में पूरा पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे ये बच्चों के लिए है ना। अच्छा, जो सामान जो है टीएमसी के तरफ से बच्चों को जूता स्वेटर वगैरह आती है, तो ऐसे तमाम जो है कंप्लेन मिलते हैं कि जो है वो जो है थोड़ा लो क्वालिटी के रहते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स से और कुछ स्कूल टीचरों से काफ़ी जो इसके लिए झगड़े भी होते हैं। वो तो क्या है मैम, DBT जो स्कीम है वो पेरेंट्स की मीटिंग लेके उनको बताई गई है, फिर भी वो समझ नहीं पाए कि पहले पेरेंट्स ने खुद सामान खरीदना है, उसके बिल उन्होंने सबमिट करने हैं, और वो बिल सबमिट करने के बाद उनके अकाउंट में उसका पैसा आएगा। लेकिन अभी मुमरा में या म्युनिसिपल में बच्चे जो पढ़ते हैं वो ज़्यादातर वो मीन्स उनकी आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी न होने के कारण वो पहले खुद सामान खरीदते नहीं हैं, इसलिए फिर वो ठेकेदार से खरीदना पड़ते हैं, और फिर उसकी क्वालिटी और उसके बारे में जो पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है उसको सब टीचर को जवाब देना पड़ता है। सामान बच्चे ले लेते हैं, पेरेंट्स अकाउंट में पैसे आने के बाद वो खुद निकाल के लेते हैं, वो भी पैसा सब टीचर्स को भरना पड़ता है। ऐसे DBT में बच्चे को सामान मिलता है, पेरेंट्स पैसे भी लेते हैं, और सब तकलीफ टीचर्स को ही उठानी पड़ती है। देखिए, आज की ये मीटिंग जो लगाई गई थी प्रिंसिपलों की, तो खास करके इस मीटिंग का एजेंडा यही था कि इनको जो होने वाली तकलीफ़ें हैं, आए दिन क्या होता है कि हम लोग है ना ये बता देते हैं कि MM वैली में ये काम हो गया या फिर मुमरा स्कूल में वो काम हो गया। तो हो गया तो कहाँ तक हुआ है, कितनी इसमें अभी जो ये HM बैठने के बाद ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं ना कि मुझे खुद शॉक हो गया कि ठेकेदार जो है बिल लेके निकल जाता है और यहाँ पे काम हो नहीं रहा है। जो हमारा खास DBD का मसला है, अभी DBD में जो है बैग्स ख़राब आए और इन्होंने जो बैग्स दिए उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी निकली, यूनिफॉर्म का मसला था। तो ये जो बातें सामने आई इसमें जो पेरेंट्स खास करके टीचरों पे जो हावी होकर उनको जो गाली गलौज कर रहे थे उनके ऊपर हाथ उठाने तक वो आमादा हो गए थे। तो ये DBD का मसला कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की एक थिंकिंग ऐसी हो गई है कि ये पैसा जो है हमारा पर्सनल खर्चे के लिए आता है,
ये पैसा जो है महानगर पालिका हमको चीज़ें देती है और ये पैसा जो है हमारे पर्सनल इस्तेमाल के लिए आता है। कोई टीवी खरीद लेता है वो पैसे का, तो कोई क्या करता है पता नहीं, लेकिन बाद में वो पैसा वो जो है वो ठेकेदार को या फिर जहाँ से वो चीज़ें खरीदी जाती है उनको वो देने मांगते नहीं। ये मसला सबसे बड़ा सामने आया है। उसके बाद में टॉयलेट जो बने हैं अभी उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, जो ठेकेदार है पूरी हमारे पास स्कूल है जो है 31 के करीब कुछ स्कूल है मुमरा कौसा दीवा पकड़ के, उसमें से 16 स्कूलें जो है यहाँ पे हमारे शिमला पार्क में चलती हैं। लेकिन आप अगर स्टाफ देखेंगे तो टीचरों के अलावा, टीचर्स तो कहीं ना कहीं कम थोड़े बहुत है ही, लेकिन यहाँ पे अभी क्लर्क नहीं है, सफाई कामगार जो है 2 स्कूल के हिसाब से सफाई कामगार दिए जाते हैं, सुबह की शिफ्ट में अगर है तो दोपहर में नहीं है, जबकि 16 स्कूल में 12 स्कूल एक ही इमारत में, तो 12 इमारतों के हिसाब से 12 स्कूलों के हिसाब से आपको कितने सफाई कामगार चाहिए, उस हिसाब से सफाई कामगार नहीं है इनके पास। इनके पास जो है टीचर्स की कमी है, प्रिंसिपल में जो मतलब प्रमोशन मिलना चाहिए प्रिंसिपल का प्रमोशन नहीं हुआ है, मतलब 2 से पीने का पानी हो गया और शौचालय हो गया, इसको लेकर जो है यहाँ पर जो टीचर आए थे उन लोगों ने बताया कि जो है काफ़ी तकलीफें हैं, लेकिन कई बार उन लोगों ने कंप्लेन भी किया है, लेकिन इसके बावजूद आखिर शौचालय का काम पानी पीने का काम जो है क्यों नहीं हो रहा है आगे? देखिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि वो लोग हमको जवाब देते हैं कि हमने शिमला पार्क के स्कूल का काम कर दिया या मुमरा के स्कूल, तो इसकी वजह यही है कि एक इमारत में 16 स्कूलें चलती है, अब किस स्कूल का काम किए वो उन्होंने हमको बताया नहीं, वो क्लियर हुआ नहीं। तो हमने जो सभी प्रिंसिपल को बुला के जो बात छेड़ी थी वो यही थी कि आप स्कूल वाइज हमको प्रॉब्लम्स बताइए ताकि हम उसका हल कर सकें, क्योंकि ऊपर अभी आप देखेंगे तो एक टॉयलेट्स जो बने हुए हैं तो यहाँ के स्कूल वाले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ के बच्चे भी वहाँ पर आकर बटन उस टॉयलेट के ऊपर गिरता है, यानी वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर 4-4 टॉयलेट है कुछ, अभी यहाँ के स्कूल के बच्चे वहाँ के स्कूल के बच्चे दोनों जब मिल जाते हैं तो आप सोचिए तादाद कितनी बढ़ती होगी, फिर वो सफाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, गंदगी बाहर दिखाई देती है। तो ये जो बात है कि एक अगर 2 स्कूलें हैं वहाँ पर तो 2 स्कूल का स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए, सफाई कामगार का हो चाहे क्लर्क का हो, लेकिन नहीं है वहाँ पर। जिस तरह से अभी जो यहाँ पे टीचर थे उन लोगों का कहना है कि कई बार जो है प्लास्टर गिर चुका है, इमारत जर्जर हो चुकी है स्कूलों की, बच्चे घायल हो चुके हैं, मनपा के अधिकारी आते हैं देख के जाते हैं, उसके बावजूद जो है उसको रिपेयरिंग का काम नहीं हो रहा है, क्यों आखिर नहीं हो रहा है आखिर? देखिए मैंने अभी मनीष जोशी सर से बात की हूँ कि जो ठेकेदार ने वहाँ पर ऐसा घटिया दर्जे का काम किया है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। देखिए अभी ये मीटिंग मैंने आज इसीलिए बुलाई कि ऐसा कोई हादसा मेरे पीरियड में तो ना हो, और इसी के ताल्लुक से मैंने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है। हमारे गोसावी साहब जो है वो TMC मतलब हेड ऑफिस में थे, तो उनके असिस्टेंट उनके जो JE है टेकाले साहब वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने सारे पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लिए हैं। इसके अलावा स्थानिक नगर सेवक जो सिराज ढूंढ रहे हैं उनके जो साथ में जो साथीदार हैं सुहेल वो भी यहाँ पर आए हुए हैं कि इन समस्या का हल किस तरीके से निकाला जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।